टू एस यू पी पी एस सी मेरा नाम वंदना सिंह है तो इस वीडियो में हम जो है सेशन नंबर फिफ्टीन साइंस का और इसमें जो हम इसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट वायरस और बैक्टीरिया और ये आपके जितने आपके एग्जाम है यूपी पी एस सी बीपीएससी और जितने स्टेट पी सी एस हो गए और जितने वन डे एग्जाम हो गए आर ओ आर हो गया लोअर पी सी एस हो गया सबके लिए यूजफुल होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो कार्बोहाइड्रेट जो है फोटो photo, सिंथेसिस में जो है वो आपको मिलता है ड्यूरिंग फोटो और ये जो है आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है तो so, कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिलता है एनर्जी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से किससे आपको एनर्जी मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा प्रोटीन आ जाएगा से, तो जो है, वो होता है. तो आपको कार्बन हो गया या हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीजन हो गया तो इसको इतना याद करने की आपको जरूरत नहीं है तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है तो क्या होता है कि जब आपका फोटोसिंथेसिस होता है तो इसमें क्या होता है जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं सॉइल से एंड एयर से फोटोसिंथेसिस में जो है आपका प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं सॉइल से और एयर से तो फिर जो है आपकी फोटोसिंथेसिस की जो है आपकी रिएक्शन होती है तो फोटोसिंथेसिस की आपकी रिएक्शन क्या होती है पेन क्यों काम नहीं है फोटोसिंथेसिस की आपकी रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की आपकी रिएक्शन होती है सी ओ टू एच टू ओ और यहाँ से आपको क्या मिलता है यहाँ से मिलता है आपको ग्लूकोज तो यहाँ से आपको मिलेगा ग्लूकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस ऑक्सीजन तो जो प्लांट है वो आपका एयर से और सॉइल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है और फिर आपकी जो है इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट ये आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है और ये है आपका आपको मिलता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है आपकी फोटो सिंथेसिस की रिएक्शन में जो है आपके प्रोडक्ट्स होते हैं अब हम देख लेते हैं कि शुगर किस किस टाइप की होती है तो जो शुगर है वो आपका होता है पहले मोनोसेक्राइड्स तो मोनोसेक्राइड्स बेसिकली ग्लूकोज है तो ग्लूकोज जो है एक मोनोसेक्राइड्स से, है ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा तो सी सिक्स एस करेंगे तो ये ये जो है फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द फोटो सिंथेसिस होता है तो अभी हमने देखा सी टू ओ टू ओ प्लस सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द ये होता है फोटो सिंथेसिस तो आपको मोनोसेक्राइड्स डाए ये सब जो है इतना ज़्यादा मतलब इतना दिमाग लगाने की जरूरत ज़ुरु, नहीं है बेसिकली ये बेसिकली आपके कार्बन के बेसिस पे होता है कि कार्बन जैसे सी सिक्स है तो आपका मोनो हो गया डाई हो गया तो सी सिक्स सी ट्वेल्व हो गया तो इस हिसाब से ये कार्बन के बेसिस पे होता है इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें सिर्फ ये देखो कि मोनोसेक्राइट्स का जो एग्जाम्पल है वो ग्लूकोज है और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है सी और ये फर्स्ट प्रोडक्ट होता है आपका फोटोसिंथेसिस में एंड इसके एग्जाम्पल हो गए फ्रक्टोज तो फ्रक्टोज जो है वो फ्रूट्स में पाया जाता है आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फ्रक्टोज कहाँ मिलता है तो ये फ्रूट्स में मिलता है फ्रक्टोज एंड फ्रक्टोज का भी जो फॉर्मूला होता है वो भी सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स होता है तो ये जो है फ्रक्टोज जो है आपका मोनोसेक्राइड्स हो गए फिर डाई क्या होते हैं सुक्रोज तो सुक्रोज क्या हो गया सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन जो है आपका सिक्रोज हो गया और ये जनरली जो आपके फाउंड होते हैं इन स्टोरेज ऑर्गन्स और ये आपको मिलता है शुगर केन से और बीट रूट से तो बीट रूट और शुगर केन से आपको मिलता है आ, मतलब शुगर केन गन्ने से मिलता है और बीट रूट से मिलता है इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया माल्टोज तो माल्टोज भी जो है एक तरह का डाई है से. फिर ट्राई क्या होता है तो ट्राई क्या होता है ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्वा एक्वासोल्यूशन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तो ये तीनों आपको मिलते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो मिलते हैं तो ग्लूकोज सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स तो ये मिलता है पॉलीसेक्राइड मतलब हमने पॉली पढ़ा था जब पॉलीमर्स पढ़े थे एन नंबर ऑफ चेन चेन्स जो होते हैं उनको पॉली बोलते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स में आपका पहला हो गया इन इनोलिन तो ये फाउंड होता है आपका सेल सेप में और डेलिया में और दूसरा हो गया आपका स्टार्च तो स्टार्च जो है मेन स्टोरेज फूड होता है प्लांट का तो प्लांट का जो मेन स्टोरेज फूड है वो स्टार्च होता है और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है तो आपने कभी भी जैसे स्टार्च को इस टाइप से देखा होगा आपने जैसे आप जैसे चावल भी होते हैं या फिर कुछ तो उसमें स्टार्च देखते होंगे तो वाटर में तो वो एक चिपचिपापन सा जो होता है तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है फिर जो आपका ग्लाइकोजन है तो ग्लाइकोजन इज अ इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट तो ग्लाइकोजन एक इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है और इसका जो फॉर्मूला होता है ग्लाइकोजन का आपका फॉर्मूला होता है C ट्वेंटी फोर एच फोर्टी टू ओ ट्वेंटी वन तो ये इसका ग्लाइकोजन का फॉर्मूला होता है तो अगर आ जाए तो ये इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है फिर आपका ग्लूकोसाइड्स तो ग्लूकोसाइड्स आपको कैसे ऑप्टेन होता है जब आप कार्बोहाइड्रेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तब आपका ग्लूकोसाइड ऑप्टेन होता है डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि किसको डिस्ट्रॉय करने पे मतलब कार्बोहाइड्रेट को डिस्ट्रॉय करने पे आपको क्या मिलता है ग्लाइकोजन दे दिया गैलेक्टोज Gala दे दिया ग्लूकोज दे दिया ग्लूकोसाइड्स दे दिया तो यह आपको ग्लूकोसाइड मिलता है नेक्स्ट है आपका लेटेक्स तो लेटेक्स जो है एक व्हाइट येलो या ब्राउन कलर का एक मिल्की लाइक ऑयली सब्सटेंस होता है और आपने मिलकर लाइक ऑयली एक ऑयली सब्सटेंस होता है तो आपने जैसे रबर देखा होगा तो रबर एक टाइप का लेटेक्स है मतलब आप देखते होंगे तो उसको आप उसको ऐसे खींच सकते हैं और एक रबरी सा उसकी फीलिंग होती है तो वो ही लेटेक्स होता है कि एक रबरी सी फीलिंग है एक ऑयली सी फीलिंग है तो वो लेटेक्स होता है पपाया के अंदर जो लेटेक्स फाउंड होता है वो एक पैपिन नेम लेटेक्स होता है पपाया के अंदर तो पपाया के अंदर जो लेटेक्स फाउंड होता है उसका नाम है पेपेन तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रबर क्या है तो रबर इज अ टाइप ऑफ अ लेटेक्स देखो इसमें हम सिर्फ वही चीजों को फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है हम ये नहीं कि पॉलिसक्राइट्स की कैसे पॉलराइजेशन होती है कैसे चैन रिएक्शन होती है वो सब हम पढ़ने की कोशिश करें उनका कोई यूज़ भी नहीं है एग्ज़ाम में और ना वो आने वाले हैं तो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपके यूपीपीएससी में आती हैं जितने आपके स्टेट पी में जो जितनी चीज़ें आती हैं उनके उनको हम पढ़ रहे हैं इसमें तो आप अपने एग्जाम जो फोकस है वही यही रखिए कि हम सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ ना हम इलेवंथ के लिए पढ़ रहे हैं ना ट्वेल्थ के लिए पढ़ रहे हैं ना हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अपना फोकस यही रखना कि हम एग्जाम के लिए पढें जो जो स्टैटिक चीजें इंपॉर्टेंट है हम उन पर फोकस करेंगे नेक्स्ट चीज है ल्यूकोप्लास्ट लिकोप्लास्ट जो है कलरलेस सब्सटेंस होता है जो फाउंड होता है आपका सेक्स सेल के अंदर क्रोमोप्लास्ट जो है वो बेसिकली कैरी द पिगमेंट ऑफ द कलर पार्ट तो मतलब जितने भी आपके कोई भी जैसे आपका प्लांट हो गया उसकी लीव्स हो गई उसमें जो डिफरेंट कलर्स होते हैं तो उसके लिए सबके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो जो कैरी करता है वो पिगमेंट वो होता है क्रोमोप्लास्ट तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो कैरी करता है नेक्स्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है जो कन्वर्ट करता है आपका सीओ टू और वॉटर को शुगर में इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट तो वाटर को मतलब बेसिकली जो आपका रिएक्शन होता है तो आपका जो है सनलाइट सनलाइट की uh, की जो प्रेजेंस में आपका आपका ग्लूकोस में कन्वर्ट होता है तो क्लोरोप्लास्ट जो है कंटेन क्लोरोफिल uh, जो कन्वर्ट करता है आपको सीओ टू वॉटर को शुगर में शुगर मतलब यहाँ ग्लूकोज शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट तो ये हम जो है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ये पढ़ लिया नेक्स्ट चीज है वायरस तो वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फाउंड होता है इन द फॉर्म ऑफ द पैरासाइट तो पैरासाइट की तरह फाउंड होता है लिविंग सेल के अंदर ये डिस्कवर किया था आपका डिमिट्री इवेंट वॉस्काई ने तो डिमिट्री इवेंट वॉस्काई ने करा था और स्टडी ऑफ द वायरस को बोलते हैं हम वायरोलॉजी तो स्टडी ऑफ द वायरस ये होते कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वायरस के तो प्लांट के अंदर ये ट्रांसमिट होता है फाइलम के थ्रू एनिमल के ये अंदर ये ट्रांसमिट होता है ब्लड के थ्रू जो वायरस है वो दोनों तरह का होता है लिविंग भी होता है नॉन लिविंग भी होता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट के अंदर आपको एक ऑप्शन दे दिया एक जाइलम दे दिया या फिर बोथ दे दिया या फिर नन दे दिया ऐसे करके तीन ऑप्शन दे चार ऑप्शन दे दिया आपको तो ये ध्यान रखना प्लांट के अंदर जो ट्रांसमिट होता है वो फाइलम के थ्रू होता है और एनिमल के अंदर ब्लड के थ्रू होता है तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वायरस के एक तो होता है प्रोटीन कैप्स कैप्सिड एक होता है न्यूक्लिक एसिड और एक उसकी होती है थिक आउटर लेयर तो प्रोटीन कैप्सिड होता है न्यूक्लिक एसिड होती है उसकी एक थिक आउटर लेयर होती है अब आप देख लेते हैं कि कुछ वायरस की लिविंग प्रॉपर्टीज और नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो लिविंग प्रॉपर्टीज क्या होती है लिविंग वाले में क्या होता है डीएनए और आरएनए रहता है एक स्ट्रक्चर डायवर्सिटी रहती है उसके अंदर जो उसका स्ट्रक्चर होता है तो उसमें जो है अलग डायवर्सिटी रहती है And, uh, जो उसका जो है आ, उसमें बेसिकली उसमें जेनेटिसिटी और प्रॉपर्टीज होती हैं एंड एवोल्यूशन होता है उसका जैसे आपने कोरो, कोरोना वायरस में देखा होगा कि वायरस जो है इवॉल्व हो रहा था उसका म्यूटेशन हो रहा था तो इस हिसाब से डिसीज स्प्रेड करता है वो डिसीज स्प्रेड करता है नॉन लिविंग में क्या होता है एब्सेंस ऑफ द सेल होता है आ, मतलब डीएनए आरएनए कुछ नहीं होता प्रोटोप्लाज्म होता है नो प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ आउटसाइड द लिविंग सेल मतलब सेल के बाहर की जो है कोई भी रिप्रोडक्टिविटी और ग्रोथ नहीं होती है और जो लिविंग सेल के अंदर जो है ये इन द फॉर्म ऑफ द पेस्टल जो है स्टोर होता है एंड लैक ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक न्यूट्रिशन और डायजेशन इस हिसाब का कुछ भी इसमें नहीं होता है न्यूट्रिशन डायजेशन इसमें कुछ भी नहीं होता है नेक्स्ट एप प्लांट सेल तो प्लांट सेल प्लांट वायरस तो प्लांट वायरस जो है होता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड ऑफ द आरएनए जैसे आपका वायरस हो गया येलो मोजाइक वायरस तो ये सारे आपके प्लांट वायरस हैं तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि न्यूक्लिक एसिड ऑफ़ आर प्लांट सेल क्या है न्यूक्लिक एसिड ऑफ़ द आरएनए है न्यूक्लिक एसिड ऑफ़ द डीएनए है बोथ है नन है इस हिसाब से तो आप याद ध्यान रखना प्लांट सेल जो है वो न्यूक्लिक एसिड ऑफ़ द आर है जैसे वायरस हो गया आपका येल्लो मोजैक वायरस तो ये एक प्लांट वायरस है तो अभी हम सारे प्लांट वायरस पढ़ेंगे आपका की अलग अलग प्लांट्स के अंदर कौन कौन से वायरस लगते हैं तो वहां आपको ज्यादा क्लियर होगा लेकिन आप यहाँ ध्यान रखना ये आर

ये एक वायरस होता है ध्यान रखना बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो इन्फेक्ट करता है और रेप्लीकेट करता है विद इन बैक्टीरिया तो ये एक वायरस है जो इनफेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया को तो यहां ध्यान रखना इसको कंफ्यूज मत हो जाना इसको उलट पलट के दे दिया जाता है कि इट्स अ बैक्टीरियोफेज एक वायरस है या बैक्टीरिया है तो यहां ध्यान रखना इट्स अ वायरस तो ये वायरस है तो बैक्टीरियोफेज जो है वो तो आपका वाटर प्रिजर्वेटर की तरह यूज होता है जिसकी वजह से जो है वाटर जो है वो खराब नहीं होता क्योंकि ये जो है आपका वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को और इस जो आपके वायरस होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं इन क्लीनिंग ब्लू ग्रीन एलगी तो जितनी एलगी है उनको क्लीन करने के लिए जो है आपके वायरस जो है वो हेल्पफुल होते हैं अब कुछ वायरस देख लेते हैं एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी आए थे दो के प्रलिम्स में यूपीपीएससी के और हर बार आते हैं तो आप इनको ध्यान से देखिए तो वायरल डिसीज कौन कौन सी है प्लांट के अंदर टमाटो के अंदर कौन सी होती है ट्विस्टेड लीव डिसीज लेमन के अंदर होती है येलोइंग ऑफ द वेन्स आलमंड के अंदर होती है स्ट्रीक पैटर्न मस्टर्ड के अंदर होती है मोजैक एंड सीसम के अंदर होती है पाइलोडी एंड बीट रूट के अंदर होती है ट्विस्टेड अपेक्स लेडी फिंगर के अंदर होती है येलो वीन मोजैक शुगर के इन अंदर होती है ग्रास शूट डिसीज पपाया के अंदर मोजैक अब बनाना के अंदर मोजैक तो मस्टर्ड पपाया बनाना मोजैक एंड इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं तो ये सारी वायरल डिसीज है अब कुछ वायरल डिसीज एनिमल के अंदर देख लेते हैं काव के अंदर जो होती है वो होती है हर्पीज वायरस से जो होती है हर्पीज होती है काव के अंदर एक और होती है ब्लू टंग वायरस तो उस डिसीज जो होती है वो ब्लू टंग होती है काव के अंदर होता है वैक्सीनिया तो ये बेसिकली डिसीज जो इससे होती है वो होती है स्मॉल पॉक्स बफेलो के अंदर होता है पॉक्स वेरीडो ऑर्थोपॉक्स और इससे डिसीज होती है स्मॉल पॉक्स डोमेस्टिक एनिमल्स जितने हो गए आपके जैसे उनके अंदर होता है रैपडो वेरगी वेस्किलो वायरस तो इससे जो डिसीज होती है फीवर होती है डॉक के अंदर होता है स्ट्रीट वायरस जो इससे जो डिसीज होती है वो रेबीज होती है तो ये इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है आपका काउ एंड बेफेलो तो काउ एंड बेफेलो के अंदर जो होता है पी, पी ना वेडी एफ थो वायरस इसमें माउथ एंड ग्लैंड का जो है इंफेक्शन होता है एंड काओ एंड बेफेलो के अंदर एक और डिजीज होती है पैरा माइक्सोवेडी मोरबेली वायरस इससे जो डिसीज होती है वो होती है रेंडर पेस्ट डिसीज तो रेंडर पेस्ट डिसीज एक और डिसी एक और डिसीज जो है अभी हाल ही में बहुत न्यूज में है तो हाल ही में एक बहुत न्यूज में है तो वो एग्जाम में आ सकता है तो बेसिकली लंपी डिसीज है और वो भी आपकी जो है वो वायरस से होती है लंपी डिसीज भी जो है आपकी वायरस से होती है बेसिकली इट्स अ वायरल डिसीज ऑफ द कैटल और ये जो है लंपी स्किन डिसीज वायरस से होती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनिमल पॉक्स वायरस है वो तो लंपी जो डिसीज है वो होती है लंपी लंपी स्किन डिसीज वायरस से तो इसको ध्यान रखना बेसिकली ये जो वायरस है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है पॉक्स वायरी डे बेसिकली इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं नीथलिंग वायरस तो अगर एग्जाम में कुछ भी आ जाए लंपी डिसीज से रिलेटेड वो आपको देख लेना न्यूज में है तभी बोलते हैं न्यूज़पेपर पेपर पड़क रहो तो नई नई चीजें आते हैं आप तो बोलेंगे कि यार लंबी डिसीज तो जो लूसेंट जनरल में नहीं लिखा हुआ था ये लंबी डिसीज से आ गया न्यूज़पेपर से आया करंट की भी कुछ चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए न्यूज़पेपर से चीजें पढ़ते रहना चाहिए अब वायरल डिसीज इन ह्यूमन बींग देख लेते हैं तो एड्स किसको इफेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है हाइड्रोफोबिया इम्यून सिस्टम को पोलियो इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी सिस्टम को एंसिफ्लाइटिस जो है इम्यून सिस्टम को करता है मम्स जो है वो आपको पैराटोडेड ग्लैंड्स को करते हैं जो है स्किन को करता है मीजल्स जो हैं वो आपके एंटायर बॉडी को करते हैं स्मॉल पॉक्स एंटायर बॉडी को ट्रेकोमा जो है वो आई को करता है अच्छा तो इसमें से बताएंगे इसमें से कुछ ऐसी डिसीज हैं जो इंडिया उनसे फ्री हो गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो कौन कौन सी डिसीज है और ईयर भी लिखेंगे उनका कि कब हुआ था नेक्स्ट एड्स एड्स की फुल फॉर्म भी कभी कभी जो है एग्जाम में आ जाती है तो एक्वाइर्ड इम्यूनिटिफिशी सिंड्रोम इन्वेंट हुआ था 1981 में ये वायरस से कॉज होता है बेसिकली ये एक डिसीज नहीं है ये एक तरह का सिंड्रोम है तो वायरस जो होता है एड्स का उसको बोलते हैं एच तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी तो बेसिकली एच एक वायरस होता है और जब ये वायरस जो अपने एक्सट्रीम उस पे आ जाता है तो फिर आपको जो है वो आपको सिंड्रोम या डिसीज बोलेंगे वो एड्स होती है इसका क्योर क्यों है एच आई एल वी थ्री कॉम्बिनेशन थेरेपी एंड ए की जो आपका तीन ड्रग्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपको एड्स में दिया जाता है नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया जो है एक सिंप्लीफाइड माइक्रोब है प्रोकारियोटिक सेल एंड लेकिन क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल नहीं होता है बैक्टीरिया के अंदर जो है फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है जो बैक्टीरिया नाम है वो किसने दिया था एरन बर्ड ने तो जम थोरी ऑफ द डिसीज जो है वो प्रोपाउंड की थी लुइस पेशर ने रॉबर्ट कॉच जो है उन्होंने जो है डिटेक्ट एंड सेपरेट किया था वैक्टीरिया ऑफ द एंथ्रेक्स एंड द ट्यूबर तो इनको सेपरेट किया था इन बैक्टीरिया नाइदर क्लोरोफिल और नाइदर माइट्रोकॉन्ड्रिया फाउंड तो क्लोरोफिल भी फाउंड नहीं होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया भी फाउंड नहीं होता है अब देखिए टूबे क्लॉसेस से रिलेटेड देख लेते हैं तो 2017 में क्या है 2017 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था न्यू एम रिगार्ड टू द टीबी कि टीबी को जो एलिमिनेट करना है वो 2025 से करना है ये तो आपको सबको ही पता होगा डब्ल्यू से पांच साल पहले डब्ल्यू का ट्वेंटी थर्टी है एलिमिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है ये पॉइंट है बोलते हैं ना कि एलिमिनेट करना है एलिमिनेट कर दिया तो एलिमिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है तो डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग जो एलिमिनेशन की डेफिनेशन होती है कि देयर शुड बी लेस देन वन पर्सन कोई भी डिसीज है फॉर पॉपुलेशन ऑफ अ मिलियन पीपल तो वो लेस देन वन पर्सन ऑफ दैट डिसीज फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ मिलियन पीपल मतलब मिलियन पीपल के अगर पॉपुलेशन लें तो एक इंसान से कम जो है उस डिसीज का इंसान होना चाहिए तभी वो एलिमिनेटेड डिसीज मानी जाती है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ नेक्स्ट है लुइस प्रेशर ने जो है इन्वेंट किया था इनोकुलेशन ऑफ द रेबीज एंड प्रेशराइजेशन ऑफ द मिल्क अब मिल्क को प्रेशराइज कैसे करते हैं तो आपने अपने जो मिल्क के पैकेट्स हैं अमूल के इन सब के आपने देखा होगा कि प्रेशराइज मिल्क लिखा रहता है तो मिल्क को प्रेशराइज कैसे करते हैं तो मिल्क को प्रेशराइज जो है अलग अलग प्रोसेस पे किया जाता है एक तो लो टेम्परेचर पे किया जाता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम प्रोसेस पे और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसेस पे किया जाता है तो बेसिकली प्रेशन को क्या कहते हैं तो बेसिकली प्रेशराइजेशन क्या होता है कि पार्शल हीटिंग होती है मिल्क की अप टू अ टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट मतलब पार्शल हीटिंग करेंगे जैसे बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे कम पे जो है हीटिंग करेंगे जिससे क्या है जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किल्ड हो जाएंगे लेकिन उसका जो कंटेंट एंड फ्लेवर है मिल्क का वो इंटेक्ट रहेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट से कम करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे किल हो जाएंगे लेकिन जो कंटेंट फ्लेवर है वो मिल करेंगे तो मिल्क जो बेसिकली प्रेशराइज होता है जब उसको सिक्सटी डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं थर्टी मिनट्स तक तो 30 मिनट से 62 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो आप जब घर में आप मिल्क जो बॉईल करें तो ये नहीं कि फुल एकदम गैस करके चले जाएं और बस एक बॉईल आया तो आपके जो है बैक्टीरिया भी इतने अच्छे से किल नहीं हो पाएंगे और कंटेंट एंड फ्लेवर तो मिल्क का गया ही तो सिक्सटी वैसे भी जो जितने भी आपके अमूल्स के अमूल के मदर डेयरी के ये सब पैकेट्स होते हैं उनको बोला जाता है दे आर द ऑलरेडी प्रेशराइज मिल्क होते हैं तो उनको उनको ऐसे बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है जैसे आपको लिक्विड वॉर्म अगर मिल्क पीना है या फिर इस टाइप से तो आप जैसे उसको एक आप नॉर्मली उसको लिक्विड लिक्विडॉर्म करके आप उसे पी सकते हैं तो उसमें प्रेशराइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती तो वो मिल्क इज़ ऑलरेडी प्रेशराइज अब प्रोसेस देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस से प्रेशराइज होता है तो एक होता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम प्रोसेस तो इसमें क्या है थ्रू दिस प्रोसेस मिल्क इज हीटेड एट नियरली नियरली 63 डिग्री सेल्सियस अप टू 30 मिनट्स और फिर उसके बाद क्विकली जो है कूल cool डाउन हो, हो जाता है जिससे सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं तो इसका uh, लॉन्ग टाइम प्रोसेस तीस मिनट तक आपको लो टेम्परेचर में उसको हीट करना है दूसरा है हाई टेम्परेचर जो है शॉर्ट टाइम प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि 72 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना होता है अपटू तो 15 सेकेंड और उसको क्विकली कूल डाउन कर लेते हैं तो कूल cool डाउन इसको कर लेते हैं नेक्स्ट है कि आपके जितने नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि आपके जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं उसमें न्यूट्रिशन किस किस तरीके से टेक प्लेस करता है वो सारी चीजें हम देख लेते हैं तो पहला आपका होता है हेट्रोट्रॉपिक तो इसमें हेट्रोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना खुद का खाना खुद नहीं बना सकते और वो जो है दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड पे फीड करते हैं दूसरे पे जो है निर्भर रहते हैं उन पे खाना खाने के लिए जैसे हो गया सेप्रोफाइट्स तो सेप्रोफाइट जो है वो अपना फूड जो है डेड प्लांट्स से एनिमल से वेस्ट से जो है वो ड्राइव करते हैं जैसे आपका लेक्टोबाई बेसिलस हो गया एसिटोबेक्टर uh, हो गया दीज आर द सेप्रोफाइट तो जितने भी आपके डेड प्लांट्स होंगे और जितने भी सारे आपके वेस्ट होंगे तो वो सारे ये uh, जो है सेप्रोफाइट्स वो उन उनपे फीड करते हैं पैरासाइटिक क्या है ऑप्टेन फूड फ्रॉम टिश्यू ऑफ द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल तो लिविंग प्लांट्स और एनिमल के टिश्यू पे जो है uh, वो फीड करते हैं जैसे एग्जाम्पल हो गया पैथोजेंस तो बेसिकली ये जो है आपका आप ना एन्वायरमेंट में पड़ोगे आपके आ, आ, जो है आ, मतलब आपके रिलेशन पढ़ोगे उनके ऑर्गेनिज़्म के तो पैरासाइटिक बेसिकली क्या है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो है वो आ, जो है जिसके ऊपर वो निर्भर हो रहा है उसको वो हार्म करता है तो ये पैरासाइटिक का जो है वो uh, मतलब रिलेशन होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जब एनवायरमेंट पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा सिम्बायटिक जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन बनाता है क्योंकि मतलब उसका भी फायदा हो रहा है दूसरे का भी पैरासाइटिक में क्या होता है जो जो फीड कर रहा होता है उसका फायदा हो रहा होता है दूसरे वाले का नुकसान हो रहा होता है तो सिम्बायटिक क्या है ऑप्टेन फूड बाय लिविंग इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग बींग जैसे आपके हो गए राइजोबियम तो इसमें डायरेक्ट आपके एग्जाम्पल ऐसे पूछ लिया जाता है सेप्रोफाइट्स कौन से हैं पैरासाइटिक कौन से हैं और सिम्बॉइटिक कौन से हैं तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट होते हैं ऑट्रोट्रॉफिक तो ऑट्रोट्रॉफिक आपको पता ही है ऑटो है तो ऑटोट्रॉफिक जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम सच एज वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे तो पहला होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है तो प्रिपेयर करते हैं फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट एनर्जी सनलाइट में जैसे आपने अपने हमने अभी देखा था सी ओ टू प्लस एच टू ओ प्लस सनलाइट की फॉर्म में फिर आपको यहाँ ग्लूकोज मिल रहा था तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं क्रोमो क्रोमेटिक और रोडोस्परल तो ये जो है बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेते हैं दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक तो ये प्रिपेयर करते हैं अपने फूड बाय ऑक्सीडाइजिंग वेरियस केमिकल कंपाउंड जैसे बैक्टीरिया लाइक आपका नाइट्रोमोनस हो गया नाइट्रोवेक्टर हो गया और हाइड्रोजिनोमोनस हो गया तो ये सारे आपके ऑट्रोट्रॉपिक हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग वेरियस केमिकल कंपाउंड तो ये फोटोसिंथेसिस वाले जो हैं प्रेजेंस ऑफ द लाइट करते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग में करते हैं फिर नेक्स्ट है फिर कुछ हम देख लेते हैं कि आपके कुछ जो फाइबर्स होते हैं ये होते हैं इनका डिकम्पोजिशन किस बैक्टीरिया से होता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो हम ये देखते हैं तो जो आपका मॉइस्ट क्रूड कॉटन होता है जूट होता है वो डिकम्पोज होता है आपका क्लैल क्लस्टेरिडियम ख्ले, ख्ले, बैक्टीरिया से क्लैस्टेर क्लस्टेरिडियम एंड बुटेरियम बैक्टीरिया से जो है ये आपका डिकम्पोज होता है थ्रू विच जो आपके लॉन्ग थिकन फाइबर होते हैं वो ऑप्टेन होते हैं तो आपका जो कॉटन और जूट है वो डिकम्पोज होगा फिर आपको जो फाइवर जो मिलता है कॉटन का वो इस वैक्टीरिया से मिलता है जो वैक्टीरिया है वो जो है फर्टिलिटी ऑफ द ऑयल जो है वो इनहस कर देता है बाई मीन ऑफ द डेंट्रीफिकेशन जो आपका राइजोबियम ये आपके सिंगल लाइनिंग लाइनर जो फैक्ट्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं वो उनको डिस्कस कर रहे हैं राइजोबियम लिगुमिनस बैक्टीरिया जो है वो रूट्स ऑफ द प्लांट में पाया जाता है ये क्या करता है आपका ट्रांसफर करता है आपका एटमोस्फिर नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तो राइजोबियम लिगुमिनस uh, जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है तो ये होता है राइजोबियम लिगुमिनस बैक्टीरियम लेटिक एसिडिक एंड एसिडिक एसिडिकोटीन जो है आपका लेकिन एसिड ट्रांसफॉर्म मिल्क टू द कड तो मिल्क में एक प्रोटीन होता है इसमें क्या होता है इस प्रोटीन के साथ मिलकर जो लेकटिक एसिड जो बैक्टीरिया है वो मिल्क को जो है कर्ड में कन्वर्ट कर देता है विनेगर जो है वो शुगर से बनता है तो आ, कभी आपने देखा होगा मतलब आई स्टिल रिमेंबर माई आ, मतलब जो ग्रांड मदर है मेरी दादी जो है वो आ, शुगर से जो है मतलब आपका जो शुगर केन जूस होता है गन्ने का रस उससे विनेगर बनाती थी तो उसको आ, शुगर केन को आ, मतलब जो जूस होता था उसको बॉटल में रख के एंड उसको फॉर्मेंट करने के लिए रख दिया जाता था और फिर उसके बाद जो है वहाँ से वो सिरका मिलता था विनेगर तो विनेगर जो है वो शुगर से प्रिपेयर होता है बाय एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया से तो एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया से जो है वो विनेगर प्रिपेयर होता है नेक्स्ट है uh, uh, कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन देख लेते हैं और उनके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है तो ये भी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है तो इसको हम देखते हैं हुँ. तो पहली है स्ट्रेप्टोमाइसिन strep ये इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो स्ट्रेप्टो कोकस ग्रोसाइसिस होता है एंड नेक्स्ट होती है क्लोरोमोसाइटिन इसमें होता है एस वेनेजुला, होता है। अब बेसिकली कुछ नहीं इसको बिल्कुल एग्जैक्ट याद करने की तो जरूरत नहीं है जब आपका ऑब्जेक्टिव में थोड़ा थोड़ा मतलब देख लेना कि क्या है क्या नहीं मतलब एटलीस्ट रिकग्नाइज कर लो एग्जाम में इसलिए ही ये स्लाइड दी गई है कि मतलब आप रिक्नाइज कर लो टेरा माइसिन में जो एस री रीमोस होता है नाइस में जो है एस न्यूरोसाय होता है एरेथ्रोमाइसिन में जो है एस एरेटिस होता है एंड टाइरोथ्राइसिन में जो है बेसिलस ब्रेविस होता है पोलोम में जो है बेसिलस पॉलिमिक्सा होता है एंड बेसिट्राइसिन में जो है बी सबटेलिस होता है अब कुछ बैक्टीरिया आपके यूजफुल होते हैं जैसे कुछ बैक्टीरिया हो मिल्क को कर्ड बनाने में काम होते हैं लेकिन कुछ बैक्टीरिया आपके हार्मफुल भी होते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जो है आपके डिकम्पोज कर देते हैं केमिकल कंपाउंड जैसे आपका हो गया नाइट्रेट नाइट्र, नाइट्राइट हो गया और जितने भी आपके अमोनियम कंपाउंड हो गया इन फ्री नाइट्रोजन तो फ्री नाइट्रोजन में ये कन्वर्ट कर देते हैं तो दीज आर द हार्मफुल बैक्टीरिया मतलब आपका जो हो गया नाइट्रेट हो गया नाइट्राइट हो गया इनको फ्री नाइट्रोजन में हमें आपके कन्वर्ट कर देते हैं जैसे आपके बैक्टीरिया हो गया बेसिलस हो गया थियोबेसिलस हो गया म्यूकोकोकस हो गया तो ये एग्जाम्पल है सच बैक्टीरिया के तो अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मफुल बैक्टीरिया तो यहां याद रखना बेसिलस थियोबेसिलस म्यूकोकस दीज आर द हार्मफुल बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग है वो कॉज होती है जो बैक्टीरिया है कॉस्ट्रोडियम एक सेकेंड जो फूड पॉइजनिंग होती है वो बैक्टीरिया कॉस्ट्रोडियम ब्यूटोटीनियम जो इनसे है वो फूड पॉइजनिंग जो है होती है और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पैथोजेंस होते हैं और वेरियस टाइप की डिसीज जो है प्लांट एनिमल और ह्यूमन बीइंग में जो है वो स्प्रेड कर देते हैं तो इस टाइप के जो है डिसीजेज हम पढ़ते हैं तो एग्जाम में पता है ऐसे भी आ जाता है कि आपको बहुत सारी डिसीज दे दी और दे दिया कि ये कौन सी डिसीज है बैक्टीरियल है वायरस है कौन सी डिसीज है तो ये भी आता है तो दीज आर बैक्टीरियल बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं ना तो बैक्टीरियल डिसीज ही पढ़ रहे हैं तो ये बैक्टीरियल डिसीज है पटेटो विल्ट जो होता है आपका सूडोमोनस सोले सोलोनो कियरम से होता है ब्लाइट ऑफ राइस आपका जेंथोमनस ओरिजी से होता है तो ओरिजी जो है बेसिकली इसका का, आपका ऑर्गेनिज नेम होता है राइस का तो ब्लाइट ऑफ राइस जो है ये हो गया। कैंकर जो है से होता है ब्लैक आर्म ऑफ द कॉटन जो, <t Hack Dartmouth> आपका, जो, होता गाण गाण जो आपका होता है जेंथोमोनस तो मेलवेक्रियम से होता है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल जो है आपका एनिवीनिया से होता है क्राउन गैलन फ्रूट जो है आपका आ, इसमें जो पैथोजन आपका बैक्टीरिया होता है वह एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमे फैसियंस होता है तो ट्यूमे फैसियंस होता है तो इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं आ, कि आ, कुछ समझाने जैसा कुछ है नहीं इसमें कि मतलब कि आपको समझाया जाए तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें याद ही करनी होंगी आपको बार बार ये वीडियो को देखिए आप दोबारा दोबारा इसको देखिए चाहे तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं और नोट्स अगर नहीं भी बना रहे हैं तो ए कोर्स के साथ जो है Uh, इसकी पी आपको मिलेगी ए सी पी पी किसी कोर्स के साथ तो आप वो ले सकते हैं अदरवाइज आप इसके नोट्स बना के आप पढ़ सकते हैं अब कुछ ह्यूमन डिसीज देख लेते हैं बैक्टीरिया लेप्रिसी uh, होता है माइक्रो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है डैपथीरिया होता है क्राइनोबैक्टीरियम डैप्थीरिया से होता है निमोनिया जो हो गया आपका डिप्लोकोकस जो है निमोनियन से होता है कोलोरा हो गया वो आपका वाइब्रो कोलोरा से होता है टाइफाइड जो है एब्रथेला टाइफसा होता है डिसेंट्री जो है साइकेला डिसेंट्रिया से होता है टेटनिस जो है क्लोस्ट्रोडियम टेटेनाइ से होता है ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है कफ जो है, हेमोफिलियस पटूसिस से होता है तो वूफिंग कफ को जो है पटूसिस भी बोलते हैं क्लेग जो है पेस्टूरिया पेस्टिस से भी होता है गोनरिया जो है गोनोकोकस से होता है साइफिलस जो है नेशनल प्रोग्राम है तो नीचे आप मुझे कमेंट में लिखिएगा उसके अंदर कौन कौन सी डिसीज आती है तो कवर्ड है, तो है, है, है तो सारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के देखिएगा साइफिल जो है ट्रेपोनिमा पैलिडियम से होता है अब एनिमल डिसीज लेते हैं ब्लैक लेग ऑफ द एनिमल जो है बैक्टीरिया किससे होता है क्लोस्ट्रोडियम से होता है ऑफ द शीप जो है एंथ्रेसिस से होता है तो ये सारी जो है आपकी एनिमल डिसीज हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एलगे जो है बेसिकली एक साइनो बैक्टीरिया है और ये एवरीवेयर होता है वेयर फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज टेक प्लेस तो फोटो जो है टेक प्लेस जो आपका होते हैं वो एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो आपका क्वेश्चन आ जाता है और 2021 में आया था ये क्वेश्चन बीच बीच में किस के बीच में किसके सिंबोटिक रिलेशन बनाते हैं तो विच को एग्जिस्ट बिटवीन साइनो बैक्टीरिया एंड द फंजाय फंजाय जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड प्रोवाइड टू साइनो बैक्टीरिया विच प्रिपेयर फूड फॉर फंजाय एंड द लाइज तो फंजाय जो है वाटर एब्जॉर्ब करेगा प्रोवाइड टू साइनोबैक्टीरिया जो फिर प्रिपेयर फूड करता है फूड प्रिपेयर करता है किसके लिए पंजाय के लिए लाइकन्स लाइकन्स के लिए। तो विच को बिटवीन द साइनो बैक्टीरिया एंड द पंजा अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलो इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ तो इसका आंसर है आंसर ए ब्लू ग्रीन अलगी तो ब्लू ग्रीन अलगी जो है ओल्डस्ट ऑर्गेनिज्म है दे ऑब्टेन देयर एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस अजस्ट अभी पढ़ा है इनको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस से साइनो साइनो बैक्टीरिया नेक्स्ट क्वेश्चन है द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन वाज एननशिएटेड बाय तो ये लास्ट वाले में पढ़ा था हमने लास्ट फोर्टीन लेक्चर में तो आप इसको देखेंगे तो ये इसका आंसर है हुगो डी फ्रेस तो म्यूटेशन थ्योरी जो है एवोल्यूशन की जो है इन्होंने दी थी नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन इज तो मेन फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन इज सिलेक्शन तो अकॉर्डिंग टू द आपकी जो ड्रेन थ्योरी है उसमें क्या होता है कि नेचुरल सिलेक्शन ऑन द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन अलोंग विद म्यूटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट तो मतलब जो आपका एवोल्यूशन है वो आपका क्या हो रहा है नेचुरल सिलेक्शन से हो रहा है जिसमें आपका मैकेनिज्म बेसिक मैकेनिज्म कौन सा लग रहा है एवोल्यूशन अलोंग विद म्यूटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट तो मेन फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन क्या हो गया नेचुरल सिलेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज तो किसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं इसका आंसर है आंसर बी जी जी मेंडल को फादर ऑफ द जेनेटिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिक मेंडल वर्क ऑन हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वर्क परफॉर्म ऑन तो क्लासिक मेंडल वर्क है जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उस किस पे परफॉर्म हुआ था तो इसका आंसर है आंसर सी गार्डन पी तो गार्डन पी में हुआ था तो बेसिकली जो क्लासिक मेंडल वर्क है उन्होंने सात टाइप की जो है गार्डन पी ली थी और उनमें अलग अलग अ, मतलब किस तरह से वो ग्रो हो रही हैं सेवन टाइप्स की गार्डन थी उस हिसाब से इन्होंने जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है निकाला था तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस निकाला था इसमें जो है इनके इसमें जो है इनके थ्री रूल्स थे जिनको हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं थ्री रूल्स थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जिनको बोलते हैं थ्री रूल्स थे पहला हो गया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दूसरा हो गया प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड तीसरा हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो ये इनके थ्री रूल्स थे आपको डायरेक्ट आ सकता है तो पहला हो गया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दूसरा हो गया प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड तीसरा हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट Assortment. तो बेसिकली सात तरह की गार्डन जो पी ली थी उन पर वर्क किया था कि कैसे इनहेरिटेंस जो है वो बढ़ रहा है और इस हिसाब से इन्होंने तीन जो है रूल्स निकाले थे नेक्स्ट है हेरिटेटरी सिम्टम्स आर मूव्ड इन द डिसेंडेंट ऑफ द क्रिएचर बाय तो ये हमने लास्ट लास्ट उसमें पढ़ा था लास्ट फोर्टीन लेक्चर में पढ़ा था तो ये किससे होता है आंसर भी क्रोमोजोम से क्रोमोजोम so, जो है बेसिकली आपका हेरिडिटी कैरियर है नेक्स्ट द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आर बॉडी इज तो आंसर है जीन 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 आंसर सी जो ऑफ ऑफ होता है डीएनए डीएनए से नेक्स्ट हु डिलीवर द प्रिंसिपल ऑफ द जंपिंग जीन तो जंपिंग जीन का प्रिंसिपल किसने दिया था आंसर सी बारबरा मैक क्लिंटॉक तो उन्होंने जंपिंग जीन का जो है प्रिंसिपल दिया था फोर्टीन लेक्चर लेक्चर फोर्टीन है उसमें आप इसको देखना आपको सारे आंसर मिल जाएंगे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच तो ईस्ट फर्मेंटेशन से होता है बिल्कुल सही कैजीन जो है मिल्क प्रोटीन है आज ही पड़ा है बिल्कुल सही एलोवीरा एलोवीरा जो है एनजियोस्पर्म है बिल्कुल सही नेक्स्ट है नेपेंथीज जो है पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है तो ये गलत है बेसिकली पिक्चर है तो पिक्चर आपने देखा होगा इस तरह का एक प्लांट होता है और अपने अंदर वो जो भी आता है उसको ऐसे बंद कर लेता है तो वो पिक्चर है तो आ, तो वो जो पिक्चर जो जार है वो इसी के कंसेप्ट बना हुआ है इसी मतलब प्लांट को के कंसेप्ट पे कि पिचर जार जो आपका होता है तो वो इसी के कंसेप्ट बना हुआ है अब पिचर जार से तो सबको समझ में आ गया होगा कि हाँ क्या है वैसे पढ़ाओगे तो नहीं समझ में आएगा ओके नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ द लिगमिनस प्लांट तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल ऑफ द रूट ऑफ द लिगमिनस प्लांट इसको क्या बोलते हैं आंसर है सिंबायटिक तो नाइट्रोजन तो बेसिकली नाइट्रोजन गैस जो है अमोनियम जो कंपाउंड है वो प्रेजेंट होता है जो इसको फिक्स करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द द रूट ऑफ दिगमनेस प्लांट तो एक तरह का सिंबायटिक रिलेशन है तो एक नाइट्रोजन जो गैस है उसके साथ मिलके एक अमोनियम कंपाउंड मिलता है वहां एक इनका सिम्बायटिक रिलेशनशिप होता है जिसे आपका इसमें कन्वर्ट होता है नेक्स्ट हो गया रेडनेस ऑफ द ड्यू टू तो रेडनेस जो है एप्पल की किसकी वजह से होती है एंथोसाइनिन एंथोसाइन की वजह से रेडनेस होती है लाइकोपीन जो है अच्छा सारे देख लेते हैं एक बार लाइकोपीन अच्छा लाइकोपीन टमेटो में होता है टोमैटो का लाइकोपीन कैरेटीन जो है कैरेट का जो कलर होता है वो कैरेटीन की वजह से होता है एंड और कैंट की वजह से जो है वो बीटरूट का कलर होता है पैन को क्या हो गया कैंट की वजह से बीटरूट का कलर होता है भी बीच बीच में धोखा दे देता है येलो कलर ऑफ द ड्यू टू कलर ऑफ द आंसर हो गया आंसर सी, कैरी कैक्स तो इसका बोटेनिकल नेम होता है कैरिका पपाया और यह किसमें वाइटामिन ए में बहुत रिच होता है और डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है पपाया तो व्हाइट में नहीं होता है डाइजेशन के लिए होता है कैरिका पपाया इसका केमिकल नेम होता है और येलो कलर जो है कैरिका जेंथिन की वजह से आता है इसमें है द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द कॉटन इज तो कॉटन के अंदर मेजर कॉम्पोनेंट कौन सा होता है सेलुलोज तो cellulose जो है वो कॉम्पोनेंट होता है नेक्स्ट है लाइक आर द कॉम्प्लेक्स क्रिएचर मेड अप ऑफ अभी पढ़ा था आंसर बी फंजा एंड द एलगी तो फंजा एलगी का जो है रिलेशनशिप सिम्बॉटिक रिलेशनशिप जो है वो लाइक uh, देता है तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स क्रिएचर ऑफ द फंजाई बाकी ये ए सी पी सी ए सी पी पी एस सी का इंटीग्रेटेड प्रिलिम्स कोर्स है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए ये सिर्फ प्रिलिम्स कोर्स है ये प्रिलिम्स ओनली है और ये सिर्फ मेन्स ओनली है तो इस मेन्स वाले कोर्स जो है ये एक दो दिन में आपका लॉन्च हो जाएगा ये दोनों कोर्स जो हैं वो अभी एक्टिव हैं ये एक दो दिन में कोर्स आपका लॉन्च हो जाएगा आपके सारी डिटेल जो हैं वो यहाँ मिल जाएंगी इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में है बाकी जो एक कोर्स है वो सारी डिटेल यहाँ है बाकी जो प्रिलम्स uh, का कोर्स था उससे नाइनटी थ्री क्वेश्चन जो है डायरेक्ट प्रिडिक्ट हुए हैं और मेन्स का भी नीचे आपका पीडीएफ होगी वहाँ आपका प्रोडिक्शन आप देख सकते हैं जी एस टू में डायरेक्ट इलेवन क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए थे फोर एस एस प्रोडिक्ट हुए थे तो आप यहाँ मेन्स का जो है मेन्स के लिए मेन्स का प्रोटेक्शन के लिए नीचे पीडीएफ देख सकते हैं आप वहाँ आपको मिल जाएगी बाकी जो टेलीग्राम चैनल है ए सी पी पी एस सी वहाँ हम रोज़ फ्री डेली क्विज कराते हैं और एडिटोरियल कराते हैं तो आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं बाकी तो हम जो है इसको जल्दी फिनिश करेंगे आपका तो हमारा सेशन फिफ्टीन ख़त्म हो गया है कार्बोहाइड्रेट वायरस और बैक्टीरिया तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट